हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे बाद एक नहीं डेढ़ महीने बाद नॉन वेज खा रहा है, बन रहा है। तो चिकन आया है, आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और आज हमें दोनों टाइम खाने वाले हैं। और हाँ, मतलब एक्स्ट्रा आया है तो आज बिरयानी भी बनेगी और चिकन भी। चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा अंत तक। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं छील रही हूँ प्याज सब्जी के लिए। नाश्ता अभी हुआ है, बिल्कुल अभी किया हम लोगों ने नाश्ता। अभी आप लोगों को घड़ी दिख रही होगी, ऐसा दिख रहा है, 11:15 हो गया, 11:15 हो गया है। नाश्ता चाय हो गया है, अब बस मैं पहले तैयारी कर दूँ, फिर उसके बाद पहले बना लूँगी फिर नहाऊँगी, क्योंकि फिर से वही वैसे ही हो जाऊँगी, मैं नहाई जैसे हो जाऊँगी। यहाँ बहुत गर्मी लगती है, बहुत तेज, इसी वजह से तो। और लेट बनाती हूँ थोड़ा सा, अभी क्या है कोई काम नहीं है, इसी वजह से थोड़ा लेट बना लेती हूँ। नहीं तो सुबह तो जब काम रहते हैं ना डेली के, तो फिर टाइम टाइम पे होता है काम। तो अभी मैं बस, मेरा आधा काम हो गया है कंप्लीट। चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ थोड़ी देर से, ठीक है? तो पहले मैं चिकन को तेल में फ्राई कर लूँगी। ये सारी प्रॉब्लम ना इस लॉकडाउन के चक्कर में हो गई है सच में। इसकी वजह से ना पता नहीं कितनी प्रकार की अफवाहें दुनिया भर की अफवाहें फैलती रहती हैं। तो ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये हो जाएगा, वो सब्ज़ियाँ भी तो खाते हैं हम, पर सब्ज़ियों में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब चिकन मांस वगैरह में ये सब बीमारी है, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग अभी भी खा मतलब उसी टाइम से खा रहे हैं तो वो बंद कर देते और इसमें बैन लग जाता ना, बैन ये रहता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब खाते थे कम ही लोग खा रहे थे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी को पसंद है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, हर किसी को पसंद नहीं होता है ये नॉन वेज वगैरह। वैसे अभी किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि ऐसा कमेंट आया हो कि नॉन वेज पसंद नहीं है या ये रेसिपी मत दिखाओ, पर मैं जो खाती हूँ तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, इस वजह से मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कुछ स्पेशल बनाया जाए तभी शेयर करें। और आज इतने दिन बाद आया था ना, इतनी एक्साइटमेंट थी कि जैसे लग रहा था बहुत बड़ी खुशी मिल गई हूँ। मतलब कोई इतने दिनों बाद कोई चीज़ मिल जाती है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं सच बताऊँ मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं तो खाती हूँ। चलिए बनाते हैं। तो मैंने आज खड़े मसाले लिए हैं सारे, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग और काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और वो चक्री फूल होती है वो, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। आधा कप तेल लिया था करीब, और इसी में मैं पहले चिकन फ्राई करूँगी। और चिकन फ्राई करने के बाद इसे निकाल लूँगी, पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्योंकि ये इसी में पक जाएगा 50%, तो इसी में अच्छे से पक जाएगा तो फिर मसाले में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें पका लेते हैं, फिर उसके बाद इसी में इसको निकाल के और मसाले में फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैं ये पीसेस दिखा रही हूँ, ये मैंने पूरा मतलब मांस वांस अलग कर लिया है, इसकी बनाऊँगी मैं बिरयानी। तो पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो अदरक ले लिया है मैंने, अदरक मेरा पिसा हुआ रखा था, और ये प्याज, लहसुन और जो धनिया की डंठल होते हैं ना वो भी डाल लिए मैंने, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, मुझे तो बहुत पसंद आया था तो मैं अब वही डालना शुरू कर दी, अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर चिकन भी फ्राई हो ही गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ ज़रूर करें। तो यहाँ पर मेरी चिकन निकाल ली हूँ मैंने, और देखिए तेल उतना का उतना ही है, क्योंकि थोड़ा सा तेल ना इससे भी सेपरेट हो जाता है, निकल आता है चिकन से भी। और तेल गर्म ही था, तुरंत के बाद मैंने ये मसाला जो पेस्ट का बोल रहा करो ना, आज कितने दिनों बाद बना रहे, तो अच्छी खुशबू आ रही है ना, कोई कोरोना नहीं यार समय तो उसको बोल रहे और करो ना खालो नहीं है पापा ऐसा ही बोल रहे कार्तिक आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कार्तिक के पापा कार्तिक को चिढ़ा रहे थे कि कोरोना हो जाएगा, चिकन खा लिया इतनी हंसी आ रही थी, इतना ज्यादा हंसा रहे थे ना कि पागल नहीं हो गए आदमी आज है आप लोगों से विश करना तो भूल ही गई थी, आज है हैप्पी मदर्स डे। तो सभी मतलब जो भी यूट्यूब में अगर देखते हैं वीडियोस वगैरह, और मतलब बड़ी बहन या माँ की उम्र की या भाभी लोग बड़ी जो भी सभी लोग, उनको हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि बड़ी बहन माँ जैसी ही होती हैं और भाभी लोग भी, तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो आप लोग भी, तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं और रूटीन के मसाले डाले हैं। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है एक बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और मिर्च पाउडर आधा चम्मच। तो ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। मसाले की क्वांटिटी आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम सभी को एक जैसा ही पसंद होता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है मसाले, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा से भून लेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया मसाला भुन गया है, बहुत ही अच्छा भुना है, तेल सेपरेट हो गया है और बहुत दानेदार मसाला भुना है, अच्छा भुन गया। और इसमें मैं डाल दूँगी अब चिकन। तो चिकन डालने के बाद इसमें फिर जितनी ग्रेवी हमें चाहिए है उतनी हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने पानी भी डाल दिया है, क्योंकि हम रोटी के साथ खाने वाले हैं और बिरयानी बनाएंगे उसमें भी खाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी तरी उसमें भी अच्छी लगती है, ऐसी सूखी सूखी सी बिरयानी अच्छी नहीं लगती, तो उस वजह से मैंने थोड़ी सी पानी एक्स्ट्रा डाला है, और तब भी अच्छी ही बनी थी, ज़्यादा पानी नहीं है और मीडियम ही बना था। और अब मैं बिरयानी बनाऊंगी और इसको मैं डिश आउट कर ले रही हूँ, दूसरे बर्तन में चिकन को निकाल ले रही हूँ, जब तक यहाँ कुकर में और बिरयानी ऐसा रहता है कि मैं साथ के साथ मतलब एक साथ बना देती हूँ, अलग अलग मुझसे वो करते नहीं बनता, क्या बोलते लेयरिंग जो बनाते हैं ना, एक मैंने रेसिपी शेयर की हूँ उस टाइप से, बहुत टाइम लगता है उसमें, मतलब बहुत देर लगती, पहले चावल पकाओ फिर चिकन पकाओ फिर उसमें लेयरिंग करो, इस वजह से मैं साथ के साथ इसी में बना देती हूँ कुकर में। तो मैंने सेम वही खड़े मसाले लिए थे, थोड़े से उसमें डाल दिए हैं, और ये लंबे लंबे स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल दी है, इन्हें अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। और चावल मैंने धोकर रख दिए हैं तो थोड़ा सोख हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का दरदरा पेस्ट हैगा वो मैंने डाल दिया है इसमें पीस के, बिरयानी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से कूट के डालो ना, मिक्सी में पीस के नहीं कूट के, मैंने गिलास में कूट लिया था उसे, बेलन से गिलास में कूट लिया था, तो अच्छा हो गया रहा। तो उसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद हल्का ही भूनना है और जलाना नहीं है, उसके बाद इस छोटे पीसेस में कटे ये चिकन के पीस डाल देंगे। तो इन्हें 50% पकाना है हमें चिकन को, क्योंकि इसमें हम जो चावल डालेंगे पानी डालेंगे तो फिर वो साथ के साथ पक जाएंगे। और थोड़े से मसाले इसमें भी डालूँगी मैं, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, थोड़े थोड़े मसाले आधा आधा चम्मच लिया है इसमें, क्योंकि इसमें
जो मैंने ऊपर से डाला है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, वो इसमें अच्छा लगता है ज़्यादा। फिर मसाला डाल देंगे तो इसमें ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाला है कलर के लिए। फिर उसके बाद उसमें भूनना है तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी और चावल डाल के इसे 2-3 मिनट और भूनेंगे। और यहाँ पर मेरा कैमरा पता नहीं क्यों अपने आप बंद हो गया था, चालू ही नहीं हुआ था, तो मैं दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को। तो ये इस तरह की बिरयानी तैयार हुई थी, बैटरी ख़त्म हो गई थी शायद इस वजह से, तो फिर मैंने चार्ज में लगाया जब चालू हुआ तो अच्छी बन गई थी, बहुत ही अच्छी बन गई थी। और ये प्लेट लगाई थी कार्तिक के लिए। और आज मैं बना रही हूँ पता है क्या, सेवइयाँ। तो ये सेवइयाँ ना उसमें बनाई जाती है, वो दूसरी मशीन आती है ना उसकी, जो उसमें खटिया में फंसा के बनाते हैंगे ना घुमा घुमा के, इसमें नहीं बनती है। पर मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि हम मुझे ना सेवइयाँ बहुत पसंद है। इस तरह की सेवइयाँ हमारे गांव में बहुत बनती थी, मतलब हमारी मौसी बनाती हैं और मम्मी बाद में बनाई हैं शायद, पहले मौसी ज़्यादा बनाती रही क्योंकि मेरी मौसी के पास ही इसकी मशीन हैगी तो वो बनाते हैं उससे। पर बहुत दिन से बोल रही थी मम्मी कि आज आने के लिए बोल रही थी कि वहाँ के जिसमें सेवइयाँ बनवा लेते, पर जैसा लॉकडाउन पड़ा हुआ है तो कि ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, तो बस इसी से ट्राई कर रही हूँ मैं। इसमें भी अच्छी बन गई थी पर इतनी ज़्यादा टाइट और मतलब इसमें बहुत मेहनत लग रही थी। तो ये जितना मैंने इसमें भरा है ना आटा, और ये आटे की बना रही हूँ मैं, ये तो बताना ही भूल गई थी, आटे की बना रही हूँ, आटे की ही बनती हैं और इसको ना दूध में खाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब उस तरह पसा के बनाते हैं। इसकी रेसिपी मतलब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जब बनाऊँगी तो। और ये इतना ही मतलब जितना आटा भरा है ना मैंने उतनी ही बनाई है बस, उसके बाद मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतनी हार्ड थी, इतनी ज़्यादा चल नहीं रही थी, मतलब कड़े आटे की। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।